हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, अभी मैं ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि एक्चुअली गाइस अभी मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। मतलब गाइस क्या बोलेंगे, सुबह सुबह ही मतलब मेरा पॉपअप हो चुका है। देख सकते हैं जो बाइक का से पीछे वाला चक्का है वो पंचर हो चुका है, तो उसके कारण उसको पहले बनाएंगे, उसके बाद ड्यूटी जाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम लोग जाना पड़ेगा रामपुर उजाई पे जाना पड़ेगा। तो चले देखते हैं वहाँ पे जाके कैसे ठीक करता है, पता नहीं क्या कितना लीक है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा वीडियो में। और गाइस आज का ब्लॉग जो है मैं यही से स्टार्ट कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 8 बज चुका है, तो अभी मैं घर से निकल रहा हूँ। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ रिपेयरिंग सेंटर पे। तो यहीं पे मतलब हम लोग बचपन से साइकिल वगैरह रिपेयर करते थे, तो बाइक भी बनता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे आ गया बाइक रिपेयरिंग करने के लिए। देख सकते हैं चक्का खोल के रख दिया गया है, अभी पंचर मारेंगे। पता नहीं ट्यूब चेंज करना पड़ेगा कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, क्या होता है मैं दिखाऊँगा। सो ट्यूब को मतलब चेंज करना नहीं पड़ा, ठीक हो गया। पंचर मार दिया जो भैया था, उसने पंचर मार दिया और 50 रुपीज़ चल रहा है यहाँ पे पंचर मारने के लिए। आप लोगों के वहाँ पे बाइक का पंचर कितना रुपीज़ में चलता है आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। हम लोग का यहाँ पे 50 रुपीज़ लेता है। और गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ एक सर को लेने के लिए, तो यहाँ से मेरा बाइक पे से एक सर को उठाऊँगा और लंका जाऊँगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस फाइनली अभी पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, और देख सकते हैं अंकल भी बैठे हुए हैं और मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ। कंसर्ट निपट लिया, अभी शायद साइड में निकलने वाला है, कहाँ पे जाएंगे बता नहीं है बस। अभी कुछ काम कर रहे हैं सर अभी, तो यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन गाड़ी चलाने के टाइम पे मतलब वीडियो कैसे करूँ अभी कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, ये है शिलोंग रोड। एक्चुअली लंका से मतलब शिलोंग जा सकते हैं, मुझे पहले पता नहीं था। तो गाइस देख सकते हैं ये वाला जो रास्ता दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम लोग उमरांगसू भी जा सकते हैं और शिलोंग भी जा सकते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। देख सकते हैं रास्ता नया कन के बन रहा है, एक्चुअली उसको ही देखने के लिए आया सर लोग, मतलब कैसे बन रहा है और उसका क्वालिटी वगैरह चेक करने के लिए जाते हैं सर लोग साइट पर विजिट करने के लिए। और गाइस देख सकते हैं स्कूल का बहुत सारा बच्चे थे, तो मतलब रास्ता देख के वो लोग को बहुत खुशी हो रहा था, नया मतलब रास्ता बन गया है। तो गाइस हम लोगों का हुजाई में भी बहुत सारा रास्ता ख़राब हो रहा है, तो उसको भी बनने से अच्छा लगेगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर रास्ता ये वाला काकी चरियाली पे है, तो वहाँ पर भी मतलब हम लोग ने रास्ता देखने के लिए आया। यहाँ पर कुछ काम कर रहा है सर लोग। सो गाइस अभी काकी पे आ चुका हूँ, तो काकी का मतलब कुछ यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा काम दिखाने के लिए आ गया सर के साथ। तो यहाँ पे काम चालू है अभी, तो चलिए अभी यहाँ से कहाँ जाते हैं पता नहीं अभी तक, मिलते हैं फिर। The next morning, सो गाइस अभी फिर नेक्स्ट डे हो चुका है, मतलब कल वीडियो कर नहीं पाया क्योंकि थोड़ा वहाँ से आने के बाद मतलब रेस्ट किया, थोड़ा आराम किया। उसके बाद मतलब मेरा आइडिया ही नहीं था कि मतलब मैं ब्लॉग बना रहा था, तो बहुत दिन हो गया ना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस आज फिर से वही ब्लॉग के साथ आज क्या क्या होगा वो भी मैं ऐड कर दूँगा। और कल एक्चुअली सागर सर आए थे, तो सागर के सर के साथ हजार तक आ गया, जल्दी आ गया कल, मतलब बोल सकते हैं कि कल ही शायद जल्दी आ गया घर पर, नहीं तो शाम हो जाता था। तो अच्छा लगा कल आके, और आज फिर से सागर सर के साथ जाने वाला हूँ लंका, और वहाँ पे जाके सागर शायद साइड पे जाएंगे, उसके बाद हुजाई पे मीटिंग है बोल रहे हैं सर का, तो हुजाई पे आना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग लाइन में खड़े हैं, क्योंकि रेल लाइन क्रॉस करने के लिए वेट कर रहे हैं सब लोग। तो ये परेशानी नेक्स्ट ईयर से शायद फ्लाई ओवर भी कम्प्लीट हो जाएगा, ये परेशानी नहीं होगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस रात का नज़ारा देख सकते हैं, रात को ही भीड़ हो रहा है आज। सुबह में मतलब पूरा धूप देता है ना, और ये लाइट दे दिया अच्छा लग रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
प्लस 5 सेकंड्स लिफ्ट ऑफ नॉर्मल P1 ट्रैकिंग P3 ट्रैकिंग मैग्निफिसेंट लिफ्ट ऑफ ऑफ PSLV C57 विद आदित्य L1 ऑन बोर्ड प्लस 15 सेकंड्स PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने इसके साथ ही एक और कदम है अंतरग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य द रॉकेट फ्लाइंग फोर्थ Following nominal trajectory and developing nominal thrust, the bright fumes against a clear midday sky. Rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons, operating together with the first stage S-139. Ground lit strap-ons separated. जैसा कि निर्धारित